हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मार्बल केक। होल व्हीट से बनेगा ये। वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं। आइए देखिए क्या करना है उसके लिए। सबसे पहले हम जो हमारा केक मोल्ड है उसको ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पे घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप तेल से भी कर सकते हैं, बटर से भी कर सकते हैं, पर घी का जो स्वाद आता है केक में वो बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप घी यूज़ करिए। तो हम अच्छे से पूरे मोल्ड को घी से कोट कर लेंगे। घी अच्छे से लग चुका है तो अब इसमें डस्टिंग कर लेंगे आटे से, क्योंकि हम होल व्हीट का केक बना रहे हैं, एकदम हेल्दी वर्जन। तो मैं यहाँ पे डस्टिंग के लिए भी आटा ही यूज़ कर रही हूँ। हमारा केक मोल्ड बिल्कुल तैयार है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकाल कर रख लिए हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी होल व्हीट आटा लिया है, 1 कटोरी जो दूध पाउडर आता है वो लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इन सब को हम अच्छे से छान लेंगे तो जो केक का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आइए छान लेते हैं सबको। मैंने 1-2 बार बिना छाने भी केक बनाया है, बट उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आता। छानने से जो केक का टेक्सचर है वो ज़्यादा स्मूथ और खाने में भी उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैंने एक जो कटोरी ली है उसी से मैंने बाकी सब कुछ मेजर किया है, तो आप भी जो भी मेजरिंग टूल ले रहे हैं उसी से अपनी ड्राई और वेट इन्ग्रीडियंट्स को कैलकुलेट कीजिएगा। तो हमारा पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से हमने छान लिया है। अब देखते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लगेगा। तो 1 कटोरी मेल्टेड घी है, वैनिला एसेंस ले लिया है, 1 कप के करीब रूम टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया है, 1/2 कटोरी के करीब मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है, और अगर आपको केक थोड़ा ज़्यादा स्वीटर साइड में पसंद है तो आप 1.5 कटोरी 1.5 कटोरी भी पाउडर्ड शुगर ले सकते हैं, और 1/2 कटोरी हमने कोको पाउडर लिया है। जो चोको चिप्स हैं ऊपर सजाने के लिए उसको भी मैंने कोट कर लिया है आटे से। तो अब हम घी और शुगर को सबसे पहले साथ में मिक्स कर लेंगे और उसे अच्छे से फेटेंगे। हमें इंश्योर करना है कि बिल्कुल भी लम्स ना रहें और एक स्मूथ पेस्ट जैसा तैयार हो जाए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छे से हमारा ये जो मिक्स था वो रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दूध पाउडर। और अब थोड़ा थोड़ा करके
जो हमने छाना था आटा और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। एक साथ नहीं मिक्स करूँगी, वरना जो पूरा बैटर है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे दूध और उसे बहुत स्मूदली मिक्स करेंगे ताकि जो भी लम्स फॉर्म हो रहे हैं वो हम निकाल सकें, वरना इस मिक्सचर को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ दूध की नीड थोड़ी और लग रही है, तो आप जब मिक्स करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आप उस अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते रहिए और दूध को रूम टेम्परेचर पर ही रखिएगा। फ्रिज का निकाला हुआ दूध तुरंत मत करिएगा, थोड़ा सा ल्यूक वार्म दूध ऐड करिएगा। अब हम नेक्स्ट बैच ऐड करेंगे, तो ऐसे ही पूरा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने कभी भी होल व्हीट केक नहीं ट्राई किया है तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मैदा एडेड नहीं है, और ना ही आपके लव्ड वंस को पता चलेगा। वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, हम हमेशा बाहर से केक मंगाते हैं, क्यों ना इस बार हम अपने लव्ड वंस के लिए घर पर ही केक बनाएं और उन्हें और ज़्यादा स्पेशल फील कराएं। तो अब ये लास्ट बैच भी मैंने ऐड कर दिया है और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। जो ये मार्बल केक हम बना रहे हैं, ये दिखने में तो सुंदर लगता ही है, पर जब हम इसे आप जब इसे टेस्ट करेंगे तो आपको ये बहुत ही स्पेशल लगेगा, बिकॉज़ इसमें चॉकलेट का भी एक फ्लेवर आएगा और इसमें जो हमने ये वैनिला वाला मिक्सचर हम बना रहे हैं प्लेन वाला, उसका भी एक फ्लेवर आएगा। तो ये जो ब्लेंड होता है, इसे जब हम एज ए केक खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरे घर में तो ये केक विद इन हाफ अ डे खत्म हो जाता है। तो हमारा बैटर अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, कोई इसमें लम्स नहीं है और जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ चुकी है। मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए जब हम केक का बैटर बना रहे हैं। तो अब हम इसमें वैनिला एसेंस भी ऐड कर देते हैं, 5-6 ड्रॉप्स में ऐड कर रही हूँ, और इसे फिर से केक बैटर को अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। अब बिकॉज़ हमें इसे मार्बल फिनिश में बनाना है, तो मैं जो बैटर तैयार की थी उसको हाफ डिवाइड कर रही हूँ एक दूसरे वेसल में, ताकि मैं उसमें कोको पाउडर ऐड करके उसका एक अलग बैटर तैयार कर सकूँ। तो अब हम इसमें अपना कोको पाउडर ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करने के लिए थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज बहुत ड्राई ड्राई हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है। टोटल मुझे करीब 3/4 कप दूध का लगा है ये पूरा टोटल बैटर तैयार करने में, लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिए, बिकॉज हो सकता है आपको थोड़ा कम ज़्यादा लगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना ही बेटर रहेगा। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए पास से इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम अपना केक मोड़ ले लेंगे और एक एक करके एक एक करीब टेबल स्पून हम इसे ऐड करते जाएंगे। बिलीव मी, इससे जो लुक आता है केक का वो अमेजिंग आता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि हमें बहुत स्लोली ये प्रोसेस करना है वो पूरा टेक्सचर और लुक देने के लिए मार्बल फिनिश वाला, बट फाइनल प्रोडक्ट बहुत सुंदर होता है। तो मैं ऐसे स्लोली एक एक करके एक एक टेबल स्पून ऐड करती जा रही हूँ और जो केक मोल्ड है वो अपने आप ही, जो बैटर है वो अपने आप ही शेप लेते जाएगा केक मोल्ड में। जब ये रेडी हो रहा होता है, जब हम इसे केक मोल्ड में डाल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कब ये बेक होगा, कब हम इस अमेजिंग केक, घर पे बने हुए केक को एंजॉय करेंगे। एंड इट इज़ अ गिल्ट फ्री केक बिकॉज इट्स होल व्हीट। तो ये जो डस्टेड चॉको चिप्स हैं इसे मैं अब ऊपर से टॉपिंग्स कर दूंगी। एक्चुअली अगर हम इसे डस्ट नहीं करते हैं तो ये कई बार नीचे जाके बैठ जाती है, जो हमें नहीं चाहिए, राइट? तो इसीलिए मैं हमेशा इसे ऐसे ऐड करती हूँ। आप इसे बैटर में भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये डस्टेड है, बट मैं सिर्फ एज टॉपिंग्स ऐड कर रही हूँ। टॉपिंग्स के लिए आप टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, आप चॉकलेट्स ऐड कर सकते हैं, आप वाइट चॉको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज सिर्फ ये ब्राउन वाली थी तो मैंने यही ऐड की है। नाउ इट्स टाइम टू बेक, बट उसके पहले थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि अगर कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाए। तो मैंने अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप OTG यूज़ कर रहे हैं तो करीब 180 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसे फॉर 35 to 40 मिनट्स बेक करना है। तो केयरफुली हम इसे निकाल लेंगे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। टूथपिक या नाइफ की मदद से हम चेक कर लेंगे कि केक प्रॉपरली बेक हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले सेंटर पे मैं टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ एंड इट्स क्लीन, एंड अब साइड्स में भी चेक कर ले रही हूँ। तो ये कम्प्लीटली बेक हो चुका है, तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे एंड उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बट कांट वेट। तो केक ठंडा हो चुका है, अब आइए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। और इतना इजीली निकल जा रहा है बिकॉज हमने काफ़ी अच्छे से ग्रीसिंग की थी मोल्ड की, तो कुछ भी एफर्ट नहीं लग रहा। तो एक प्लेट से इसे टर्न कर लेंगे। वाओ, जस्ट लुक एट इट, क्या अमेजिंग लग रहा है, राइट? अगेन प्लेट की मदद से हम इसे अपसाइड डाउन कर लेंगे। टाइम फॉर फाइनल लुक। मैं गारंटी दे सकती हूँ आप ये केक बेक करिए और इस वैलेंटाइंस डे अपने लव्ड वंस के साथ स्पेशल मेमोरीज क्रिएट करिए। अगर केक अच्छा लगा हो और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। लेट्स स्प्रेड लव एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हैव अ ग्रेट वैलेंटाइंस डे। आई विल सी यू सून अगेन। बट हाँ, जाने से पहले आपका मुंह तो मीठा करा दूँ।
मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है ये केक। तो ये देखिए, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ, पर आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय। सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक करिएगा।